सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्यामा शर्मा आज आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सरगम उसका अध्याय 12, ठीक है, अध्याय 12 है बच्चों, शहीद बकरी। अध्याय का नाम है शहीद बकरी। आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक सरगम का पृष्ठ संख्या 67 यानी 67 निकाल कर करना है और इस पाठ को ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो अध्याय सुधार बच्चों, हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती, तो दूसरे तीसरे दिन एक ना एक बकरी कम हो जाती, यानी पूरे झुंड में जो बकरी जाती थी वो एक ना एक कम हो जाती थी दूसरे या तीसरे दिन। भेड़िए से तब आकर चरवाहा जो कि बकरियों को चराता है उसको चरवाहा बोला जाता है, वहां बकरियां चराना बंद कर दिया। जिस जगह पर वो कम हो जाती थी जाकर के, उस जगह उसने बकरियां चराना बंद कर दिया। और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। जुगाली यानी जानवरों की एक क्रिया होती है बच्चों, ये जब चारा उनको दिया जाता है तो चारा खाने के बाद उसको पचाते हैं, तो उस पाचन पचाने वाली क्रिया को बोला जाता है जुगाली करना, ठीक है। तो बकरियां भी अपनी मौत से डर गई थी, तो उन्होंने सोचा कि हम बाड़े के अंदर ही कम होने से अच्छा है, मरने से अच्छा है कि हम यहीं रह जाए। न जाने क्यों एक युवा बकरी, युवा यानी जवान बकरी जो नहीं थी, वह पहाड़ से उतरकर किसी दिन बाड़े में भी, माफ कीजिएगा, नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। जो युवा नई बकरी थी उसको यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है, यानी जो उनको कम कर रहा है संख्या में उससे कब तक हम डर कर ऐसे रह सकते हैं। कोई अत्याचार कर रहा है, अत्याचार सहन करना भी गुनाह होता है, जो करने वाला तो पापी होता ही है, जो सहन करता है वो भी कायर होता है। तो वो ये सोचती है कि अत्याचारी से कब तक हम अपने प्राणों की रक्षा की जा सकती है। वह पहाड़ से उतर कर किसी दिन बाड़े में भी कूद सकता है, जब वो पहाड़ से बकरियों को ले जा सकता है तो बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से है यानी डर से मूर्ख शुतुरमुर्ख रेत में गर्दन छिपा लेता है। शुतुरमुर्ख जो होता है, मूर्ख जो होता है, वो अपनी गर्दन रेत में छिपा लेता है। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है, यानी उसकी जान छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है, पहचान जान तो वो तब भी जाता है, गर्दन में नहीं आती उसकी। इन्हीं विचारों से ओत प्रोत भरी हुई गर्दन, हसरत भरी यानी बड़ी आशा भरी नजरों से ये पर्वत की ओर देखते रहते। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया, बड़ी कोशिश की कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, यानी भेड़िया जो है दूसरे तीसरे दिन कम करने पर तुला हुआ है। वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आया, उसे जो आदत पड़ चुकी है क्योंकि बिना किसी मेहनत के उसको भोजन मिल रहा है, तो उसको आदत पड़ चुकी है। तो उसे समझाने के बहुत प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन बकरी की समझ में बात नहीं आती। लेकिन नई युवा बकरी को तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना था, उसे देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है यह कर्तव्य देखने की उसकी बड़ी लालसा, बड़ी इच्छा थी, मतलब बलवती होती जा रही थी बहुत ज्यादा और बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरण थी, स्वच्छंद यानी आजादी से विचर रही थी, विचरण कर रही थी, कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, पूरा दिन पहाड़ पर चढ़ती रही। भेड़ियों को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, यानी भेड़ियों को देखना चाह रही थी वो कि देखो मैं भेड़िया कैसा जो बकरियों को कम करता जा रहा है संख्या में, परंतु उसके दर्शन ना हुए। छुटपुटा होने पर राजा वह नीचे उतरने को बाध्य हुई। छुटपुटा यानी थोड़ी संध्या का समय जो होता है, थोड़ा अंधेरा समय लगता है, तो वो लाचार होकर के विवश होकर के अपने रास्ते पर आ जाते हैं। दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया उसको रास्ते में, उसकी रक्त रंजित आंखें यानी खून से भरी हुई आंखें, लपलपाती जीभ
शिकार को देख करके सामने भोजन को देख करके और आक्रमणकारी चाल यानी कभी भी वो आक्रमण उस पर कर सकता था, हमला कर सकता था। वह चाल वह सब कुछ समझ गई, बकरी एकदम समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, आओ तनिक साथ साथ पर्वत राज की सैर करें, यानी थोड़ा पर्वत का पहाड़ पर घूमे। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था, उसने तनिक पीछे थोड़ा पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िए को मालूम नहीं था कि मेरे साथ ही हो जाए, वो तो अपना आराम से कह रहा था। भेड़िया समझ ना सका क्योंकि उसे उस हमले का पता नहीं था कि जो बकरी उसके ऊपर करती। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो क्या होता बच्चों? प्रश्न संख्या 67 पर देखेंगे आप, औंधे मुंह नीचे खाई में गिर गया होता। अध्याय भी और भी है, अगली वीडियो में इस अध्याय को मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? अभी आप अपना पढ़िएगा और उसको समझिएगा।